हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने लास्ट सीजन एफसी गोवा से इवान गोंजालेस को अपनी टीम में काफी ज्यादा भरोसे से साइन किया था, लेकिन दोस्तों इवान गोंजालेस ने ईस्ट बंगाल एफसी के कलर्स में अपने आप को प्रूफ नहीं किया है और काफी दिनों तक ये विवाद चल रहा था, क्या ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट एक और सीजन के लिए इवान गोंजालेस को रखने वाली है या फिर इवान गोंजालेस को ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट रिलीज करेंगे। तो दोस्तों इसको लेकर कोई पुख्ता खबर नहीं था अब तक, लेकिन अभी फिलहाल जैसा कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट की तरफ से खबर आ रहा है कि इवान गोंजालेस को रिलीज करके एक 35 वर्षीय स्पेनिश सेंटर बैक के खिलाड़ी जोसे एंटोनियो पेड्रो को अपनी टीम में साइन करवाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों जहां तक खबर है कि जोसे एंटोनियो पेड्रो के साथ बिल्कुल आखिरी स्टेज में बातचीत चल रहा है और जैसा कि खबर है कि जोसे एंटोनियो पेड्रो ईस्ट बंगाल एफसी के आने वाले सीजन 10 में नया सेंटर बैक के खिलाड़ी होने वाले हैं। तो दोस्तों जोसे एंटोनियो पेड्रो अभी फिलहाल 35 वर्ष का है, स्पेन से बिलोंग करते हैं जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया, और इन्होंने विलारियल वेलेंसिया जैसे रिजर्व टीमों के लिए भी खेला है, तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको स्पेन में फुटबॉल खेलने का और काफी अच्छे डिफेंडर माने जाते हैं। तो दोस्तों आने वाले आईएसएल सीजन 10 में हम जोसे एंटोनियो पेड्रो को ईस्ट बंगाल एफसी के कलर्स में देख पाएंगे, इसका चांस अभी फिलहाल काफी ज्यादा हाई है। तो चलो दोस्तों फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।